बेटे कुछ खाने को दे दे, भूख लग रही है। आपका पति आपको बेचना चाहता है? तान्या क्या हो गया? कुछ नहीं, वो भिखारी है ना तो पैसे मांग रहा है। तुम्हारे पास खुले पैसे हैं तो दे दो। नहीं है मेरे पे। नहीं है, जाओ। अच्छा वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम बैठे रहो ना, सब चल जाएगा पता। हम किसका वेट कर रहे हैं? अरे रुक जाओ तान्या, चल जाएगा पता। ये लो पैसे। पैसे पूरे हैं ना? अच्छा तान्या तुम 2 मिनट पे वेट करो, मैं आता हूँ। 1 मिनट? कहाँ जा रहे हो और इस बैग में क्या है? अरे वो मेरी ने डील क्रैक हुई है, तो उसी के पैसे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ क्लाइंट को देके। डील क्रैक करी है या तुमने मुझे बेच दिया है? तान्या ये तुम क्या बोले जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो पैसे हैं डील के ही पैसे हैं। अरे शर्म करो थोड़ी, कम से कम अब तो सच बोल लो। तुमने अपनी ही बीवी को बेच दिया, अरे कैसे पति हो तुम? और तुम जल्दी बताओ इस बैग में कितने पैसे हैं? कितने पैसों में खरीदा है तुमने मुझे? या अभी मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं पुलिस को मत बताना, इसमें 10 लाख रुपए हैं। वाह, मतलब इन 10 लाख रुपए के चक्कर में तुमने अपनी बीवी को बेच दिया? अरे छी, मुझे तो घिन आ रही है तुम्हें अपना पति कहते हुए। क्यों किया तुमने ऐसा? तो क्या करता मैं? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी तो करवा दी मेरे से, बदले में क्या दिया? एक फूटी कौड़ी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया मेरे को। और तान्या तुम्हें पता है ना मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो पैसे थे नहीं मेरे पास, तो बस यही आखिरी ऑप्शन था मेरे पे। मैंने तुमको बेच दिया और बदले में तो ये पैसे मिले ना, इससे मैं अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा। अरे तो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी खुद की बीवी को बेच दोगे? अपनी बीवी को दांव पे लगा दोगे? अरे कैसे पति हो तुम, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। अरे मुझे तो लगता था कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बहुत गलत थी मैं, तुमने सिर्फ मेरा यूज किया। तुम्हारे लिए तो मैं बस एक सौदा थी, आज मन किया तो बेचने चले आए। लेकिन बस अब बहुत हो गया, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ना मैं एक पल और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। तान्या, तान्या। पत्नी तो गई तेरी, तो डील तो कैंसिल। अरे भाई मेरी बात तो सुन,